योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर चाहे लाख दावे करे, लेकिन दबंग आज भी अपनी मनमानी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। रविवार को बरदा थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय नरवे पर जो कुछ हुआ उसे देखकर लोग कांप उठे। दबंग प्रधानाध्यापक और उसके पुत्र ने महिला शिक्षा मित्र को जमीन पर घसीट घसीट कर पीटा। दबंग यही नहीं रुके, उन्होंने उस महिला के कपड़े तक फाड़ दिए और इस दौरान दबंगों ने खुलकर असलहों का प्रदर्शन किया और शिक्षा मित्र के मासूम बच्चे को भी घायल कर दिया। शिक्षा मित्र की शिकायत पर हालांकि पुलिस ने पिता पुत्र के खिलाफ मामला पंजीकृत कर लिया है। आपको बताते चलें कि दोनों पिता पुत्र इस वक्त घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो बरदा थाना क्षेत्र के नरवे गांव निवासी सुधा सिंह की है, जो गांव के ही प्राथमिक विद्यालय पर शिक्षा मित्र के पद पर तैनात है। सुधा का आरोप है कि प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश सिंह लंबे समय से उसका मानसिक उत्पीड़न करते आ रहा है। रविवार को पोलियो कार्यक्रम होने के कारण वह स्कूल पर बच्चों को पोलियो की दवा पिला रही थी। उसी दौरान करीब 11:30 बजे ओम प्रकाश सिंह आया और विद्यालय पर पहुंचते ही उसने गाली देते हुए उस पर हमला कर दिया। मारने पीटने के बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी और वापस लौट गया और कुछ ही देर बाद अपने बिगड़ैल बेटे आलोक सिंह के साथ एक बार फिर विद्यालय पहुंचा। इस बार आलोक के हाथ में पिस्टल थी, दोनों ने उसे फिर मारा पीटा। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से ये दुर्दांत अपराधी मार रहे हैं, पीट रहे हैं एक महिला को, एक निरीह महिला को। दोनों ने उसे मारने पीटने के बाद उसके कपड़े तक फाड़ दिए। इस दौरान उसके बच्चे को भी उन्होंने उठाकर पटक दिया, जिससे वह बच्चा घायल हो गया। हालांकि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और बाप बेटे दोनों आरोपी बाप बेटे घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। थाना अध्यक्ष बरदा का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहना है बरदा थाना अध्यक्ष का। लेकिन देखना होगा कि पुलिस कितनी तत्परता दिखाते हुए इन अपराधियों को पकड़कर इनके अंजाम तक पहुंचाएगी। सीआईबी इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, अंकित सिंह।